रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। धुआं के गुबार उठता आग कहीं तक लागल बा। गौरव लगातनी स्वागत गौरव लोग के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। बिहार पल पल अपन दशा बदल रहल बा, दिशा बदल रहल बा और राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो रहल बा। यह उथल पुथल में अभी सबसे ज़्यादा अगर उथल पुथल देखल जाओ और राजनीतिक द्वंद्व देखल जाओ, एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप के लड़ी या झड़ी देखल जाओ तो वो चल रहा बुढ़े एनडीए में, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। ऐसे तो कहल जा रहा बा कि सब कुछ ठीक बा, दोनों तरफ से दावा भी बा कि हमनी के बीच में सब कुछ ठीक बा, लेकिन समय समय पर और प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा बा, कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा आ जाते हुए जना मुद्दा के लेकर के दोनों तरफ से तीर और तलवार खींच जाता। एक बार फिर से मुद्दा सबसे पहले जो हमनी के रुवालों के सामने रख ले रही जा, आरएसएस और बीजेपी से जुड़ल कई गो संगठन बाड़े, उनका स्पेशल ब्रांच के आदेश। ये मामला पूरा गंभीर हो गई बा। यह मामला के लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार जी के दल के तरफ से शांति बुड़ू है, वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब यह पर मुखर होकर के और विरोध के साथ साथ बचाव भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा हुआ। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता नीतीश कुमार के सरकार के और नीतीश कुमार के कार्रवाई के लेकर के, नीतीश कुमार के कार्रवाई ऐसे कहा जाता है कि गृह विभाग नीतीश कुमार जी के पास बढ़ू है और प्रशासनिक कार्य गृह विभाग के अधीन ही होला। अब एक के लेकर के जहां एक तरफ सुशील मोदी जो इतना दिन से चुप रहे हैं, नीतीश कुमार जी के क्रिया प्रतिक्रिया पर उनका कोनो बयान ना होत रहा, वो मुखर होकर कहले वाले अपना बयान के माध्यम से कि सरकार एकर आदेश नहीं के देले, जे अधिकारी यह आदेश के देले वाले उनका के जांच हो रहा बुड़ुए और ये कहीं से ना डीजीपी के जानकारी बुड़ुए ना मुख्यमंत्री के जानकारी बुड़ुए, ऐसे जे कोई भी इस तरह का आदेश देले बा ओकरा पर संज्ञान लिया जाए और ओकरा के दंडित कर जाए। इस बात एक बैग आना और दोनों दल के बीच द्वंद्व छेड़ना निश्चित रहला, ऐसे कि मामला ही ऐसा बढ़ू है जहां एक तरफ नीतीश कुमार जी पर लगातार विपक्ष यह बात के लेकर के और यह आदेश के पब्लिक डोमेन में आइला के बाद लगातार नीतीश कुमार जी पर आरोप लग रहा बढ़ू है कि 15 साल से का करतले है, वो गाँव गाँव गली गली एक ट्वीट करके और बयान के माध्यम से आरएलएसपी के माधव आनंद ये बात कहले है कि नीतीश कुमार जी 15 साल से आरएसएस और बजरंग दल जैसन विस्फोटक संगठन जोन बाड़े, भारतीय जनता पार्टी के मजबूती देकर आवे वाला और समाज में विद्वेष फैलावे वाला, उनका के 15 साल से प्रश्रय दिले गांव गांव गली गली मोहल्ला मोहल्ला संगठन के मजबूत करे में साथ दिले और अब जब अपना पर बन के आई, जब उनका बुझाए लागल कि भारतीय जनता पार्टी उनका के रत्ती बराबर भी नहीं के समझत, तो कार्रवाई करके धौंस दिखाओ तरे। एक पीछे भी उनकर मानसिकता बढ़ुए जो 2015 में कैले वह चीज 2020 में करे जा रहा। बातचीत के दौरान माधव आनंद कहले है कि नीतीश कुमार जैसे 2015 में महागठबंधन के साथे आकर के चुनाव जीत ले और फिर थाली में सौंप दिले भारतीय जनता पार्टी के सत्ता बिहार के, वैसे ही एक बार फिर 2020 में वो यही तरीका के कुछ रणनीति अपनावे के फेराम बढ़ा, लेकिन अब के हाली उनका के केहू साथ देवे वाला नहीं है। एक साथ साथ गिरिराज सिंह जौन की रुआ याद हुई कि नीतीश कुमार पर बयान दिले और खास करके रोजा इफ्तार के लेकर के जौन बयान दिले रहन ओकरा पर उनकर बड़ा नुक्ताचीनी भई रहे और केंद्र सरकार से उनका के डांट भी सुनावल गई रहे, यानी कि पार्टी के वरिष्ठ अमित शाह के तरफ से उनका पर हल्का सा झटकी भी दिहल गई रहे कि अपना बयान पर संयम रखो। एक बार फिर से खुद तो बयान निखन दिले लेकिन अलग अलग लोग के बयान के रिट्वीट करके वो अपन भावना के दर्शा दिले। गिरिराज सिंह के कहना बा और उनका मानना भी बढ़ू है कि कहीं ना कहीं आरएसएस बजरंग दल और इस तरीका के संगठन दुर्गा वाहिनी वगैरह जो संगठन बढ़ू है वो समाज के उत्थान खातिर, समाज के भलाई खातिर और देश के प्रदेश के बेहतरी खातिर काम करे वाला संगठन हवे। अब ऐसन में अगर ये सब संगठन पर
कोनो तरह के क्रिया प्रतिक्रिया होता, वो लोग पर नजर रखा जाता, तो खैर ऐसे कोनो बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया गलत बुड़ू है। वही जदयू के तरफ से अंदर खाना से बयान आल बा, सूत्र बता रहा बड़े कि जदयू के कहना बा कि यदि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में कोनो तरह के खोट नहीं के देखत, या आरएसएस बजरंग दल और अन्य संगठन में कोनो तरह के दिक्कत नहीं है, तो जांच से का दिक्कत बा। अभी मामला जौन बा धीरे धीरे भीतर ही भीतर काफ़ी गुमसागिल बुड़ू है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दरार पैदा करे वाला बुझा रहा बुड़ू है। आवे वाला चुनाव में नीतीश कुमार जी दुनतरफा फंस गई बड़ा। एक तरफ जहाँ विपक्ष लगातार ये बात कह रहा बुड़ू है कि अब कोनो सूरत में नीतीश कुमार एक्सेप्टेबल नहीं खन, स्वीकार्य नहीं खन, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जौन संबंध बा और नया नया क्रियाकलाप हो रहा बा ओकरा के लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भी एगो खेमा पूरी तरह से नीतीश कुमार से अलग 2020 के चुनाव देख रहा बुड़ू है। का हुई ये तो वक्त बताई, लेकिन वर्तमान जौन खबर बुड़ू है उर्वलों के सामने रख देनी। खबर के सिलसिला लगातार जारी बा, जुड़ रही सब है न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। गोर लगा नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।